देखें तो हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। और अनुपात समानुपात में यदि हम यहाँ पर देखें तो इसमें हमको यहाँ पर ये है कि इसमें क्या है, अनुपात समानुपात क्या होता है ये हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो अनुपात समानुपात क्या होता है, ठीक है, इसकी कहाँ कहाँ पर जरूरत पड़ती है, इससे संबंध क्वेश्चन आज हम यहाँ पर अटेंड उसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें अनुपात क्या होता है, तो दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अनुपात कहते हैं, ठीक है। दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहती हैं। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर क्या समानुपात क्या होता है, तो उसके शब्द से क्लियर है कि जब दो अनुपात एक ही हों या हम जो बोल सकते हैं जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर समानुपात उसमें कहते हैं उसमें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं उसमें, ठीक है। तो इसके बाद देखें आगे इसके क्या क्वेश्चन, जैसे आप और भी क्या मुख्य बिंदु हैं यहाँ पर, उसके बाद क्वेश्चन अटेंड करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे क्या ऊपर हमको दी है उसमें छोटा सा बिंदु है, उसमें मिश्रित अनुपात क्या होता है, तो मिश्रित अनुपात क्या होता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे इधर लिखा है दो या अधिक अनुपात का मिश्रित अनुपात उनके गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक अनुपात दे रखे हों और उन सभी का यदि आपस में इस प्रकार यदि गुणा कर लिए जाए तो जो रिजल्ट मिलता है वही उसका क्या कहलाता है, मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या हमको दिए उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पर दो अनुपात तीन, तीन अनुपात चार, चार और उसके बाद इधर दिए छः अनुपात सात का मिश्रित अनुपात निकालना है, तो दो अनुपात तीन मतलब दो बटे तीन इंटू में यहाँ पर तीन अनुपात चार मतलब तीन बटे चार, चार छः अनुपात सात मतलब सात छः बटे सात, इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आता है, तीन बटे सात। तो इन तीनों का जो मिश्रित अनुपात है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर तीन अनुपात सात के मिश्रित अनुपात कहलाएगा उसमें, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर नीचे दूसरे नंबर पर दिया है क्या है, वर्ग अनुपात। तो वर्ग अनुपात या क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। वर्ग अनुपात या डुप्लीकेट रेशियो तो शब्द से क्लियर है, जैसे ए अनुपात बी का यदि वर्ग अनुपात निकालना है तो इनका वर्ग कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर इसका क्या होगा, वर्ग अनुपात हो गया या डुप्लीकेट रेशो हो गया। इसी के नीचे यहाँ पर ये भी दिया है सब डुप्लीकेट रेशो, तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या कहलाता है, जैसे ए अनुपात बी का यदि हमको सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का रूट अनुपात बी का रूट, ठीक है, ए अनुपात बी, तो इसका रूट वैल्यू यहाँ पर लिख दें अनुपात में, तो उसको क्या हो जाता है, सब डुप्लीकेट रेशो हो जाता है या वर्ग मूलानुपात भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तीसरा अपने बाद इसके बाद दिए घनानुपात, या इसको क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो घनानुपात क्या होता है, तो इसमें देखें जिस ये भी शब्द से क्लियर है, ए अनुपात बी कोई संख्या है, इनका यदि घनानुपात निकालना है तो ए का घन कर दो अनुपात बी का घन कर दो, तो ये क्या घनानुपात उसमें हो जाता है उसमें, ठीक है। इसके बाद देखें अगला है इसमें क्या विलोम अनुपात, या उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर इनवर्स रेशो, ठीक है। जैसे ए अनुपात बी कोई दो संख्या अनुपात में और इनका इनवर्स रेशो निकालना है या विलोम अनुपात निकालना है, तो ए का क्या करना है विलोम यानी वन अपॉन ए कर दें, ठीक है, और बी का विलोम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बी का विलोम यानी क्या करते हैं यहाँ पर वन अपॉन बी, तो ये क्या हो जाता है इसका विलोम अनुपात इसमें हो जाता है। यह इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते हैं ए अनुपात बी का विलोम अनुपात यदि हम निकालें तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी अनुपात यहाँ पर ए, ये भी इसका क्या है विलोम अनुपात इसका डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी यदि हम सॉल्व करेंगे एक बटे ए अनुपात एक बटे बी को तो भी बी अनुपात ए निकलेगा उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर मध्य समानुपात, ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन में भी आता है ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है। तो किन्हीं का भी क्या है, जैसे यहाँ पर ए तथा बी का मध्य अनुपात निकालना है तो इसका क्या निकालना है ए इंटू बी रूट में, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मध्य अनुपात हो जाएगा। किन्हीं भी दो संख्याओं का यदि मध्य अनुपात चाहिए तो दोनों का गुणा करके उसके हम क्या कर देंगे वर्गमूल ले लेंगे, इसका रूट उसका कर देंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर मध्य अनुपात उसमें निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखें अगला है अपना तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। तो तृतीय समानुपात, तो जैसे ए और बी का तृतीय समानुपात हम यहाँ पर सी मान लेते हैं तो इसका तृतीय समानुपात सी है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक, ये क्या हो जाता है तृतीय समानुपात उसमें
हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर चतुर्थ समानुपात यहाँ पर पढ़ लेना यहाँ पर। और फिर इसके बाद देखें इसका कई जगह यूज होता है युगांतर निष्पत्ति, ठीक है। युगांतर निष्पत्ति यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, या अपन जो बोलते हैं ए बटे बी बराबर में सी बटे डी, इस प्रकार हमको यहाँ पर बराबर में दिया है। और इसमें यदि हमको युगांतर अनुपात लगाना है तो ऊपर जैसे अंतर कर दिए, जैसे नीचे क्या बी है तो बी का ऊपर अंतर और नीचे ये हो, इसी प्रकार राइट साइड में भी देखें तो डी है तो डी का ऊपर क्या कर दिया अंतर कर दिया और नीचे क्या कर दिया योग कर दिया, तो ये क्या हो जाता है युगांतर हो जाता है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि ऊपर अंतर करें नीचे प्लस करें, यहाँ पर क्या ऊपर हम क्या कर सकते हैं प्लस कर दें तो नीचे यहाँ पर माइनस कर दें, तो राइट साइड भी हमको यही करना पड़ेगा, ऊपर प्लस करेंगे तो नीचे माइनस हमको यहाँ पर करना इसमें पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा जी के पोर्शन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर अगला है इसमें, तो इसके बाद हमारे क्या जाते हैं यहाँ पर जैसे क्वेश्चन अटेंड हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो जैसे हमारे पहले क्वेश्चन लिखा है किसी थैले में 50 रुपये 20 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 4:5:6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, यहाँ पर देखें कि 4:5:6 जो अनुपात दिया है वो क्या दिया 50 रुपये 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात दिए। विशेष बिंदु ये ध्यान रखना है क्या दिया है नोटों की संख्या का अनुपात है, यानी यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यदि 50 रुपये के यदि यहाँ पर क्या 4 नोट हैं तो 20 रुपये के नोट कितने हैं, यहाँ पर 5 नोट हैं और 5 रुपये के नोट कितने यहाँ पर 6 नोट हैं, ठीक है। 5 रुपये कितने यहाँ पर 6 नोट यहाँ पर 5 रुपये के हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि यदि इस थैले में कुल 3,300 रुपये हों तो उसमें 50 रुपये के 20 रुपये या 5 रुपये के नोटों की संख्या हमको पता करना है, किसी की भी संख्या निकालना है। तो हमें विशेष बिंदु यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमको दिया है कि इस थैले में कुल रुपये कितने हैं 3,000 रुपये हैं, और इस थैले में यदि कुल 3,000 रुपये हैं लेकिन जो अनुपात दिया है वो क्या मूल्य का अनुपात नहीं दिया है, यहाँ पर जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है संख्या का अनुपात दिया है, इसलिए क्योंकि टोटल मूल्य दिया है तो यहाँ पर अनुपात भी हमको टोटल ही बनाना पड़ेगा, यानी मूल्य में ही बनाना पड़ेगा। तो 50 रुपये के यदि 4 नोट हैं तो उनका मूल्य, तो 50 रुपये के यदि 4 नोट हैं तो मूल्य कितना बनेगा इनका 200 रुपये, 50 × 4 अनुपात। इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया है 20 रुपये के यदि हम नोट देखें तो कितने हैं 5, और 20 रुपये के 5 नोट हैं तो 20×5=100, यानी मूल्य कितना होता है यहाँ पर इनका मूल्य कितना हो जाता है यहाँ पर 100 रुपये हो जाता है, ठीक है। अनुपात में यहाँ पर लाइन गलती से खिंच गई यहाँ पर, ठीक है। अनुपात यहाँ पर क्या है अगला दिया 5 रुपये के 6 नोट हैं तो मूल्य कितना हुआ 5×6=30, यानी कि यहाँ पर 30 यहाँ पर बन जाता है उसमें, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर हो जाता है उसमें, ठीक है। अब इसमें देखें यहाँ पर, अब हम देखें यहाँ पर टोटल मूल्य कितना दिया है यहाँ पर 3,000 दिया है, तो टोटल मूल्य यहाँ पर 3,300 हम लिख लेते हैं, 3,300 क्या है टोटल मूल्य, तो ये हमने 3,300 लिख लिया इसमें, ठीक है। अपॉन में देखें यहाँ पर अपॉन में, तो इसमें क्या यहाँ से टोटल मूल्य देखें तो 200 और 100 300 और 30, यानी कितना 330, यानी यहाँ से टोटल मूल्य जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 330 निकल रहा है, तो 33 जो है वो 330 भागों में बटे हैं, तो एक भाग कितने का बनेगा, तो इसका 330 का हम भाग देंगे तो 33 से इसको काटेंगे कितना आएगा यहाँ पर 10, यानी कि एक भाग कितने का यहाँ पर 10 का है, और एक भाग 10 का है तो चूंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर 50 रुपये की नोटों की संख्या चाहिए, तो 50 रुपये के नोटों का अनुपात में कितना भाग है 4 भाग है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें आया है उसमें हम क्या कर दें यहाँ पर 4 का गुणा कर दें, तो 10×4 यानी कितना हो गया 40, यानी 50 रुपये के कितने नोट हैं, तो 50 रुपये के नोट देखें तो कितने यहाँ पर 40 नोट हैं। इसी प्रकार यदि हमसे पूछा जाता है कि 5 रुपये के नोट कितने हैं, सॉरी 20 रुपये के नोट कितने हैं, तो 20 रुपये के नोटों का अनुपात में वैल्यू कितनी है 5 है, तो 10×5 यानी 50 हो जाएगी। 5 रुपये के नोटों की संख्या निकाल रहे हैं तो 6×10 यानी 60 हो जाएगी। इस प्रकार हमको यहाँ पर कैसे सभी निकाल सकते हैं 40, 50, 60 हमारा आंसर उसमें आ जाएगा उसमें, ठीक है। देखें इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर,
तो अगला क्वेश्चन हमारा देखें, उसमें पहले हमने क्वेश्चन दिया है तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 जी हमको क्या है विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दी है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो नया अनुपात कितना हो जाता है 8:11:14 हो जाता है। तो पहले तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, तो हम मान लेते हैं कि पहली कक्षा में जैसे 2x थे, दूसरी कक्षा हमने मान लिया कुल विद्यार्थी कितने यहाँ पर 3x, और तीसरी कक्षा में कुल विद्यार्थी हमने मान लिया कितने यहाँ पर 4x हैं, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2x विद्यार्थी, दूसरी में 3x और तीसरी में कितने 4x विद्यार्थी हैं। तो अब यहाँ पर क्या है प्रत्येक कक्षा में चूंकि 12 विद्यार्थी यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या 2x थे पहले पहली कक्षा में और 12 बढ़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं 12+। इसी प्रकार अनुपात बटे में कितना दिया है, दूसरी कक्षा में 3x विद्यार्थी हैं और 3x विद्यार्थी हैं और इनकी संख्या में यदि हम यहाँ पर देखें तो इनकी संख्या में कितनी वृद्धि हो जाती है यहाँ पर 12 की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है प्लस कितना 12, ठीक है प्लस 12 और बराबर, तो बराबर कितना दिया है यहाँ पर जैसे पहले दो अनुपात लिए तो यहाँ पर भी कह लेंगे पहले दो अनुपात को ही हम देखेंगे, पहले दो अनुपात यहाँ पर कितना 8:11 है तो बराबर कितना 8 और बटे में 11, ठीक है 8/11 इनको सॉल्व कर देंगे तो 11 का इधर क्रॉस गुणा कर देंगे यहाँ पर हम, तो कितना आता है 11 × 22x + 12 × 11 मतलब 132, ठीक है बराबर इधर कितना दिया था 8 और किसका किस में गुणा करेंगे 3x + 12 में, तो 8 × 24x + 8 × 12 यानी 12×96, ठीक है ये हुआ है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं 24x इधर आएगा तो कितने बचेंगे यहाँ पर 2x बचेंगे और 132 उधर जाएगा तो 32 और 4 यानी कितना जाएगा 36 जाएगा, ठीक है यानी x बराबर देखें तो x बराबर कितना जाएगा 2 से कट रहा है 2 से काट देंगे यानी x बराबर 8 यहाँ पर सॉरी 18 आ गया और x बराबर 18 आ गया। तो कुल विद्यार्थी उसने ये पूछा है कि प्रारंभ में क्या है उसमें क्या कक्षा में तीनों कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल विद्यार्थी कितने थे यहाँ पर क्या है 2x, 3x, 5 और 4, 9x कुल विद्यार्थी थे, इसलिए कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9 और x, तो x का मान कितना है यहाँ पर 18, ठीक है 9×18 कितना जाएगा यहाँ पर 9×8 72 यानी कि 2, 7, 9 + 9 और 7, 16 यानी 162, यानी प्रारंभ में कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 162 थी। यदि बाद में पूछता है तो टोटल चूंकि 12 थी 36 विद्यार्थी बढ़ेंगे क्योंकि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी प्लस हुए यहाँ पर 12, तो तीन कक्षा में 12 थी 36 विद्यार्थी प्लस कर देंगे तो वर्तमान में क्या आ जाएगी, तो अभी तो हमसे क्या प्रारंभ में पूछा था तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी 162 यहाँ पर आ जाती है हमारा, ठीक है यही हमारा क्या हो जाता है आंसर इसमें हो जाता है यहाँ पर, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर सभी ले लें उसमें, ठीक है फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना दिए यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर दिए 3:5, ठीक है दूसरा दिए यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर कितना दिए यहाँ पर 4:7 दिए, ठीक है और हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू चाहिए। तो इसमें यदि हम देखें जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में, तो बी कॉमन है यहाँ पर दोनों में और बी कॉमन है तो बी की वैल्यू भी क्या होना चाहिए यहाँ पर कॉमन इसमें होना चाहिए, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है, इधर बी की वैल्यू कितनी 4 है और इसको बराबर करने के लिए इस 4 और 5 का हम क्या कर देंगे यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देंगे, 4 का इसमें कर देंगे और दूसरे वाले में हम कितने का गुणा कर देंगे यहाँ पर 5 का गुणा हम कर देंगे, ठीक है तो इसमें हम 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 4 किया 12
ठीक है, कह जाते हैं यहाँ पर 4 3 12, अनुपात यहाँ पर क्या है 4 5 20, ठीक है, और इधर क्या है 5 गुणा करते हैं तो 4 5 20, अनुपात 5 7 35, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है इसमें, ठीक है। तो देखें यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर क्या है सॉल्व कर देते हैं, तो अब इसमें देखें यहाँ पर बी की वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, यहाँ पर देखें ए का मान कितना है इसमें 12, अनुपात बी का मान कितना है यहाँ पर दोनों में 20, अनुपात सी का मान कितना है 35, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना जाता है 12 अनुपात 20 अनुपात 35, ये हमारा क्या जाता है आंसर इसमें आ जाता है, यही हमको उसमें पता उसमें करना था उसमें, ठीक है, ये हमारा आंसर उसमें हो जाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाता है, ठीक है। यदि और भी कुछ हमको ज्ञात करना हो, ए अनुपात सी का चाहिए, तो 12 अनुपात में 35 हो जाएगा, इसी से आ गया अपन।